आरोप लगा रहे हैं कि जेपी नड्डा जी बैग भर के पैसा लाए हैं। पैसा किसके पास मिलता है? पैसा किसके पास मिलता है? राजद के प्रत्याशी के पीए के पास। गुंडा राज स्थापित किए हुए नेता के लोग प्रत्याशी हैं, उनके दल के लोग हैं, ये और कर ही क्या सकते हैं? पैसा बांटना, पैसे से वोट की खरीद बिक्री करना, यही उनका काम शुरू से रहा और आगे भी यही करते रहेंगे लोग। उन्हें खुफिया जानकारी मिली कि जेपी नड्डा जी पैसा लाए हैं, तो फिर उनके प्रत्याशी के पीए के पास कहां से पैसा मिला, पहले उसकी जांच करवा लेना। हमारे लिए अगर कोई वोट मांग रहा है तो अच्छी बात है ना, भगवान उनको सद्बुद्धि दे। ओवैसी बी टीम है कि राजद आप लोग की बी टीम है, कौन सहयोग कर रहा है? हमारी कोई बी टीम नहीं है, हम सिंगल टीम है, एनडीए सिंगल टीम है, हमारी कोई बी टीम नहीं है। हमें बी टीम की क्या जरूरत है? पूर्णिया में तो आप लोग हार रहे हैं। कौन कहता है हार रहे हैं? पप्पू यादव आने दीजिए ना 4 जून। अरे भाई कौन क्या कहता है उस पर हम लोग ध्यान नहीं देते, हम लोग अपना काम करते हैं, हमारी सरकार काम करती है। 26 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान होना है, ऐसे में राजद प्रत्याशी बीमा भारती के पीए के पास से 10 लाख बरामद किए गए। अब इसको लेकर के सियासत हो रही है, इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ जदयू के प्रवक्ता है प्रतिमा सिंह जी। कैसे देख रहे हैं जिस तरीका से आप लोग पे आरोप लगा और खास करके जेपी नड्डा पे आरोप लगा रहे थे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की बैग भर के लाए हैं बिहार में पैसा बांटने के लिए? देखिए जिन्होंने आरोप लगाया सच्चाई तो सामने आ गई, आरोप लगाना और सच साबित करना। अब बताइए आरोप लगा रहे हैं कि जेपी नड्डा जी बैग भर के पैसा लाए हैं, पैसा किसके पास मिलता है? पैसा किसके पास मिलता है? राजद के प्रत्याशी के पीए के पास। तो आप समझ सकते हैं कि किस मानसिकता के लोग हैं, उनकी कथनी और करनी में कितना फर्क है। अरे भाई प्रत्याशी के आरजेडी प्रत्याशी के पीए के पास पैसा मिलना यह क्या दर्शाता है, इससे क्या प्रूफ होता है? अरे भाई गुंडा राज के ये लोग, गुंडा राज स्थापित किए हुए नेता के लोग प्रत्याशी हैं, उनके दल के लोग हैं, ये और कर ही क्या सकते हैं? पैसा बांटना, पैसे से वोट की खरीद बिक्री करना, यही उनका काम शुरू से रहा और आगे भी यही करते रहेंगे लोग, इनकी मानसिकता ही यही है। वो तो कह रहे हैं कि हमें खुफिया जानकारी मिली है तेजस्वी यादव की, जेपी नड्डा पैसा लाए हैं, जांच करवा ले एजेंसी से। उन्हें खुफिया जानकारी मिली कि जेपी नड्डा जी पैसा लाए हैं, तो फिर उनके प्रत्याशी के पीए के पास कहां से पैसा मिला, पहले उसकी जांच करवा लेना। पहले वो तो बता दें कि उनके प्रत्याशी के पीए के पास पैसा कहां से आया। जेपी नड्डा जी की जांच तो बाद में करवाएंगे, पहले उसकी जांच होगी और वो बताएं कि वो पैसा कहां से आया। वो कह रहे हैं कि आप लोग दुरुपयोग कर रहे हैं जो एजेंसियां हैं उसका। ये सभी एजेंसियां ना इसका कोई दुरुपयोग या सदुपयोग नहीं कर सकती है। अरे भाई आप जैसा काम कीजिएगा रिजल्ट आपके सामने होगा, परिणाम आपको मिलेगा। जदयू नेता की हत्या हो जाती है उसके बाद लोग कह रहे हैं कि क्या यही सुशासन की सरकार है? देखिए बिल्कुल बिहार में सुशासन की सरकार है। अब 2005 से पहले जो गुंडा राज स्थापित था, तो क्या गुंडा राज के सारे गुंडे खत्म हो गए? अरे भाई उनकी दबी हुई जो वो सोच है ना, उनका गुंडा वाला प्रवृत्ति है, कुछ ना कुछ छिटपुट लोग तो आज भी हैं, लेकिन निश्चिंत रहे बिहार की जनता, बिहार में सुशासन की सरकार है और कभी भी क्राइम के साथ हमारे यहाँ कोई समझौता नहीं होता है, ना क्रिमिनल्स बक्से जाएंगे, जो भी दोषी होंगे सरकार उन पर निश्चित कार्रवाई करेगी। ओवैसी कह रही है कि अब आप लोग की बी टीम तो राजद हो गई है, वो आप लोग के लिए वोट मांग रहे हैं पूर्णिया में तो। अरे भाई ओ, ये सभी एक ही चट्टे बट्टे हैं, इनका क्या है एक क्या उसको कहा जाता है, एक ही नदी के दो किनारे हैं ये लोग एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं और दोनों अंदर से मिले हुए रहते हैं, एक ही हैं। अच्छा ये बताइए ओवैसी भी हमारे लिए अगर कोई वोट मांग रहा है तो अच्छी बात है ना, भगवान उनको सद्बुद्धि दे, क्योंकि उन्हें भी पता है कि देश के अंदर एनडीए की सरकार ही मतलब कि देश की जनता को ये कर सकती है, सारी सुविधाएं मुहैया करवा सकती है, सुशासन का राज कायम कर सकती है और जो भी राष्ट्रीय मुद्दे हैं देश के अंदर जो कि लोगों को चाहिए वो सब एनडीए की सरकार ही दे सकती है देश में। ओवैसी बी टीम है कि राजद आप लोग की बी टीम है, कौन सहयोग कर रहा है? हमारी कोई बी टीम नहीं है, हम सिंगल टीम है, एनडीए सिंगल टीम है, हमारी कोई बी टीम नहीं है। हमें बी टीम की क्या जरूरत है? राजद तो कहती है ना कि ओवैसी आप लोग की बी टीम है, जहां हम लोग खड़ा करते हैं उम्मीदवार वहां ओवैसी खड़ा कर देते हैं। राजद क्या कहती है वो उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। बौखलाहट में राजद कुछ भी कहती है, उन्हें तो अपना सब कुछ लुटता हुआ दिख रहा है, उनके कोई प्रत्याशी जीत भी रहे हैं क्या चुनाव? आपके एनडीए प्रत्याशी हैं उपेंद्र कुशवाहा जी, उनके खिलाफ अब पवन सिंह उतर रहे हैं और आरोप लगाया जा रहा है कि आप लोग साजिश रच रहे हैं इसलिए पवन सिंह वहां से कैंडिडेट बन रहे हैं। ये आरोप कौन लगा रहा है? विपक्ष के लोग प्रूफ करेंगे क्या वो? अरे भाई बौखलाहट में कुछ भी बोलते हैं उनकी बातों पर। नेता हैं पवन सिंह, 2014 से बीजेपी में हैं, तो बीजेपी कार्रवाई भी नहीं कर रही है उनके ऊपर।
अरे भाई, अब ये बीजेपी के प्रवक्ता आपको बेशक बताएंगे, हम लोग क्या बता सकते हैं इसमें। लेकिन अब आरजेडी क्या आरोप लगाती है, विपक्ष क्या आरोप लगाता है, उस पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। क्या लग रहा है, उपेंद्र कुशवाहा को हराने की साजिश है? पवन सिंह उतरे हैं, अरे भाई कोई काराकाट से उतरे हैं, आरा से नहीं उतरे हैं। कोई कितना भी साजिश रच ले एनडीए के प्रत्याशी को हराने की, एनडीए की सरकार ने और देश में प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने और राज्य में हमारे नेता आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी ने जितना काम किया है ना, हमें किसी के पास बहुत गिड़गिड़ाने की आवश्यकता नहीं है। देश और राज्य की जनता अपने हितों की रक्षा के लिए, अपने हितों के लिए, अपने बच्चों के भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए हमें वोट करेगी, एनडीए के एक एक प्रत्याशी को वोट करेगी। हमें पूरा विश्वास है, हमारी सरकार ने इतना काम किया है कि हमें बहुत ज़्यादा हतोत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है। पूर्णिया में तो आप लोग हार रहे हैं। कौन कहता है हार रहे हैं? पप्पू ने 4 जून, अरे भाई कौन क्या कहता है उस पर हम लोग ध्यान नहीं देते। हम लोग अपना काम करते हैं, हमारी सरकार काम करती है, हम काम के आधार पर जनता के बीच गए हैं, जनता से वोट मांग रहे हैं, जनता हमारे काम के आधार पर ही अपना वोट दे रही है, अपना समर्थन दे रही है, हमें पूरा विश्वास है इसका। लेकिन पप्पू यादव कह रहे हैं कि डरे हुए मोदी आ गए, बड़े बड़े नेता आए। अरे भाई, तो कहने की आज़ादी तो सबको है ना, लोकतंत्र में सबको बोलने की आज़ादी है, बोलने दीजिए, रिजल्ट सामने आएगा ना, उस दिन बात कर लेंगे। बिल्कुल। तो सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे जदयू के प्रवक्ता है प्रतिमा सिंह, इन्होंने तमाम सवालों का जवाब दिया, साथ ही साथ कहा है कि देखिए 4 जून के नतीजे आने हैं, 4 जून आने दीजिए, उसके बाद सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।